नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीएल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कल इस शेयर में 50% का गिरावट आपको देखने को मिला था। उसके बाद इस कंपनी में आज आप देखेंगे तो इसमें 20% की अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करके चलना चाहिए या फिर इसमें जो 50% की गिरावट आपको देखने को मिला था उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कोई भी पार्ट मिस न करें, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को, इस कंपनी के टेक्निकल व्यू को कंप्लीट डिटेल देखेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। सबसे पहले अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 523 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 231 करोड़, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी के पीछे। अगर बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर डेप्ट की तो 52 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जबकि फ्री कैश फ्लो की हम बात करें तो 57.8 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है। यानी कि डेटा अभी तक जो हमने देखा वो काफ़ी स्ट्रांग डेटा है। तो देखते हैं इस कंपनी के कुछ और ही स्ट्रांग पॉइंट्स को। सबसे पहले अगर बात करें इस कंपनी के 52 वीक हाई 52 वीक लो को, तो आप देखेंगे इस कंपनी ने 52 वीक लो बनाया था 17.50 रुपये का और इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया 39.50 रुपये के पास में। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। तो अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो 45.50 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा और करंट प्राइस इस कंपनी का है 39.60 रुपये के पास में। यानी कि यह कंपनी अपने बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद भी। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल। दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम थोड़े डिटेल में देखें तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो 69.82% का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं इस कंपनी में FIIs की तो आप देखेंगे 0.03% का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। DIIs की बात करें तो 0.91% का डिटेल और अगर बात करते हैं गवर्नमेंट की तो 7.39% का डिटेल देखने को मिल जाएगा। पब्लिक 21.87% की होल्डिंग लेकर बैठे पड़े हैं, यानी कि आपको प्रमोटर्स होल्डिंग या फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों सबसे पहले अगर बात कर लें इस कंपनी में कल 50% का करेक्शन आपको क्यों देखने को मिला था, तो आप देखेंगे यह शेयर स्प्लिट हो चुका है जिसका एक्स डेट था 23 दिसंबर 2021 का और इसीलिए आपको इसमें इतनी भारी गिरावट देखने को मिला था। शेयर स्प्लिट के रेशियो की बात करें तो 1:2 का रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों इस कंपनी के अगर हम शॉर्ट टर्म के चार्ट में डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि स्प्लिट के बाद काफ़ी लोगों ने इस शेयर को बाई किया। अगर आप वॉल्यूम का डिटेल देखेंगे तो पिछले 3-4 दिनों में इस कंपनी में अच्छी खासी वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ दिखा है, यानी बायर्स वापस आ चुके हैं इस शेयर के अंदर। तो ऐसे में इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस कंपनी की बात करें अगले टारगेट की तो आपको 45 का डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यह कंपनी 45 का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर निकलता है तो आपको 52 के आसपास का लेवल देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग इस शेयर में बने हुए हैं वो बने रह सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ अपना स्टॉप लॉस जरूर से जरूर मेंटेन करके चलें। 35 रुपीज के पास आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। अगर यह शेयर यू टर्न लेता है तो आपका बना बनाया प्रॉफिट जो लॉस में इंटर न हो पाए इसीलिए आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं और जो लोग फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं वो लोग स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।